क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के इस अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1981 की मशहूर फिल्म सिलसिला का गीत, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल और शिवहरि का संगीत। जानिए इस गीत के बनने की दिलचस्प कहानी स्वयं पंडित शिव कुमार शर्मा के शब्दों में। जावेद अख्तर ने शुरू में फिल्म में गीत लिखने से यश चोपड़ा को क्यों मना कर दिया था और फिर मुंह में खून लगने की बात क्यों की? फिल्म सिलसिला के बनने के अगले साल इसी गीत के जैसा कौन सा गीत बना और इस गीत के साथ उसका क्या रिश्ता था, ये सब कुछ जानिए आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुशील पी। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। फिल्म सिलसिला यश चोपड़ा की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सुपरहिट गीतों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। यूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इससे पहले बहुत सारे गीतों में संतूर और बांसुरी बजाया था, पर बतौर संगीतकार सिलसिला उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म सिलसिला के सभी गीत हिट हुए और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा गीत बेहतर है। फिर भी इस फिल्म के सारे गीतों में जो गीत बाकी गीतों से बिल्कुल अलग है वो है ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जान पिघलते। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जान पिघलते। इस अनूठे गीत के बनने की कहानी स्वयं पंडित शिव कुमार शर्मा ने सुनाई थी विविध भारती की संगीत सरिता कार्यक्रम में। श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि ये एक अनयूजुअल गीत है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये गाना कैसे बना। शुरू में यश चोपड़ा जी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि नायक अपने ख्यालों में खोया हुआ है और कुछ पोएट्री लिख रहा है या पोएट्री रिसाइट कर रहा है, कुछ शेरो शायरी सुना रहा है। बैकग्राउंड में हम कुछ आलाप ले आएंगे लता जी की आवाज में और इस तरह से इस सीन को शूट करेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर इस सीन पर काम शुरू हुआ कि थोड़ी म्यूजिक रहेगी, थोड़ी शेरो शायरी होगी और फिर कुछ बीच में आलाप आएंगे।
इस मोड़ पर ये बिल्कुल भी तय नहीं था, या यूं कहें कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस सीन के लिए कोई गाना बनेगा। शिवजी आगे बताते हैं कि बनते बनते जैसा होता है कि अमिताभ बच्चन जो अभी भी उतने ही बिजी हैं, उस जमाने की क्या बात कहें कि वो 12 एक बजे जब उनकी शूटिंग की शिफ्ट खत्म होती थी तब वो आते थे और फिर आकर के हमारे साथ बैठते थे, क्योंकि उन्होंने गाना भी गाया है, होली का जो गाना है, और रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे और नीला आसमां सो गया नीला आसमां सो गया। तो ये वाला गाना, ये कहाँ आ गए हम जब बनने लगा, तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई, बनते बनते कुछ उसमें धुन का जिक्र जब आया तो जावेद अख्तर साहब ने इसमें बोल लिखे। जावेद अख्तर साहब की भी ये पहली फिल्म थी बतौर गीतकार। वो बैठे हुए थे और उन्हीं की सारी नज़में हैं जो बच्चन साहब ने पढ़ी है। ऐसा करते करते जब एक धुन गुनगुना रहे थे हम लोग, तो सोचा कि इसके ऊपर बोला जाए तो कैसा लगेगा। तो धीरे धीरे जब बोलाए तो लगा कि अस्थाई बन गया। ऐसा करते हैं कि ये जो नज़म है, जो शेर पढ़ रहे हैं, उसको हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे जैसे इंटरल्यूड म्यूजिक होता है, जैसे इंट्रोडक्शन म्यूजिक होता है। यूं करते करते इसकी शक्ल ऐसी बनी और वो एक असाधारण गाना बन गया कि कविता और गाना साथ में चल रहा है, लेकिन वो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है और वो बात आगे बढ़ रही है, पोएट्री कह रही है। गाने में नायिका की जो गायकी है वो उस पोएट्री को आगे बढ़ाती है। पंडित जी कहते हैं उनके ख्याल में इस किस्म का गाना फिर किसी ने दोबारा बनाने की कोशिश ही नहीं की, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ था, कुछ कॉरस आवाजें ली गई थी, तो वो पूरा जो उसका माहौल बना है, वो आज इस गाने को बने हुए इतने साल हो गए पर अभी भी वो फ्रेश लगता है। उन दिनों जावेद अख्तर साहब सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखा करते थे और बहुत नाम भी कमा चुके थे। फिल्म सिलसिला से वे बन गए फिल्मी गीतकार, वो भी स्वतंत्र रूप से। इस बारे में जावेद साहब का कहना है, मैं गीतकार नहीं था, जबरदस्ती बना दिया गया, मैं तो फिल्में लिखा करता था। यश जी एक दिन मेरे घर आए, वो मुझसे उनकी फिल्म सिलसिला के लिए एक गीत लिखवाना चाहते थे। मैंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि मैं पोएट्री सिर्फ अपने लिए करता हूं, फिल्म के लिए नहीं लिख सकता। लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गए, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं एक गीत लिखने के लिए राजी हो गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि वो लोग मुझे एक धुन सुना देंगे और मुझे उस पर गाना लिखने की उम्मीद करेंगे, अगर लिख ना पाया तो क्या होगा। मुझे फिर यश जी ने शिवहरी से एक दिन मिलवा दिया, वो धुन सुनाते गए और शाम तक मैं लिख चुका था ये गीत। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है घुल किले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है घुल खिले हुए। फिर मैंने इस फिल्म में कुल 3 गीत लिखे। यूं कह सकते हैं कि मेरे मुंह में खून लग गया था। बाकी के 2 गीत थे नीला आसमां सो गया और ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। शबाना जी को ये कहां आ गए हम बहुत पसंद है और वो अक्सर इसे गुनगुनाती हैं। सिलसिला 1981 की फिल्म थी। अब हम आते हैं 1982 में बनने वाली एक फिल्म पर। फिल्म का नाम वकील बाबू। इसके निर्माता थे जवाहर कपूर। फिल्म में गीत लिख रहे थे
आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म की कहानी और सिचुएशंस के मुताबिक 3 गाने बने और जो रिकॉर्ड भी हो चुके थे, पर ये सभी गीत बिल्कुल साधारण किस्म के गीत बने। कोई खास बात नहीं थी इसमें, कोई खास बात नहीं थी इनमें। जवाहर कपूर को इन गीतों से बहुत निराशा हुई, पर आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहने में हिचकिचा रहे थे। पर उसी समय जैसे ही फिल्म सिलसिला के गाने रिलीज हुए, उनकी निराशा और अधिक बढ़ गई। उन्हें लगने लगा बेकार ही उन्होंने आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज गीतकार संगीतकार को अपनी फिल्म के लिए चुना है। इनसे बेहतर तो जावेद अख्तर और शिवहरी जैसे नए गीतकार संगीतकार हैं, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म सिलसिला में कमाल का काम किया है। जवाहर कपूर ने अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि उन्हें अपनी इस फिल्म में ये कहां आ गए हम जैसा एक गीत चाहिए। वकील बाबू फिल्म में तब तक जो 3 गाने बने थे उनमें 1 लता जी का गाया हुआ और 2 आशा जी के गाए हुए थे। इस चौथे और नए गीत के लिए तय हुआ कि लता जी गाएंगे और फिल्म के नायक शशि कपूर बीच बीच में शेरो शायरी करेंगे। ये कहां आ गए हम के तर्ज पर आनंद बख्शी साहब ने लिखा, हम कहां खो गए तुम कहां खो गए, हम मिले तो ये दोनों जहां खो गए। गीत में 3 अंतरे हैं और हर अंतरे से पहले शशि कपूर जी की आवाज में 1 शेर है। इस तरह से 3 शेर गीत में शामिल हुए हैं। गीत बहुत अच्छा बना और तब जाकर जवाहर कपूर का गुस्सा ठंडा हुआ। वकील बाबू फिल्म बुरी तरह असफल रही, पर आज अगर इस फिल्म को याद किया जाता है तो सिर्फ इस एक गीत की वजह से। वापस लौटते हैं सिलसिला के गीत पर, और आज के इस अंक को समाप्त करने से पहले अमिताभ बच्चन द्वारा पढ़ी गई पंक्तियां आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यही हो यही कहीं हो। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की ये रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म को उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, आज दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। तो दोस्तों यहां आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा आपको पसंद आई होगी। शो द्वारा लेख सुजय चटर्जी का था, वाचन और गायन स्वर सुशील पी का था, प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.